नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बेनीवाद ओपी के एक गांव में कोचिंग के शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ किया बलात्कार, पुलिस ने शिक्षक के भाई को गिरफ्तार कर भेजा जेल। तबलीगी जमात में शामिल लोग और नेपाल के रास्ते से कोरोना संक्रमित लोगों के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले को किया सील। और कथैया थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्चे का शव गांव के चौर में मिलने से पूरे गांव में फैली संक्रमित। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। कथैया थाना क्षेत्र से 2 दिन पूर्व अपहरण कर डॉक्टर के 6 वर्षीय पुत्र की अपराधियों ने हत्या कर शव को गांव के ही चौर में फेंक दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जिले में 6 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद अपराधियों ने निर्मम हत्या कर इस घटने को अंजाम दिया और पुलिस को खुली चुनौती दी। दरअसल घटना कथैया थाना के प्यारेपुर हरदी गांव का है, जहां पर ग्रामीण चिकित्सक गुड्डू कुमार का पुत्र अपने दरवाजे पर कैरम बोर्ड खेल रहा था, वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद परिवार वाले पुलिस से गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं और अंततः अपहृत 6 वर्षीय पवन कुमार की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। शनिवार की सुबह उसका शव उसके घर से 300 मीटर दूरी पर गेहूं के खेत में मिला। देखने से मृतक के सिर के पीछे गर्दन से तेज हथियार से प्रहार व रेता हुआ था। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने के बाद कथैया थाना अध्यक्ष सुनील कुमार घटना स्थल पर पहुँच कर जाँच में जुट जाती है। पता चलता है काफी गंभीर तरह से जख्मी है वो गर्दन के पास में और गर्दन काफी ज्यादा मांस लग रहा है, गर्भवती चलता है। तो डिटेल अनुसंधान इसका हम लोग पोस्टमार्टम से एक अच्छे से पोस्टमार्टम करवाते हैं इसका, किस कारण से ये घटना घटती है, क्या मामला हो सकता है इसमें। हर एक बिंदु पर हम लोग टेक्निकल और मानवीय अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी कारण हो सकता है। फिलहाल हमने इनसे गार्जियन से पूछा है कि किसी शक सुबह यदि है तो उस संबंध में बताएंगे। सर, हम लोग ग्रामीण का मांगे कुत्ता बुला के सर फिरौती मांगे, ये मांगने की चर्चा लिया। वही मामले में परिजनों ने बताया कि बच्चा का अपहरण हो गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाना में किया था और आज यह घटना घट गई। बोर्ड खेल रहे थे बगल के बच्चा के साथ, खेलने के क्रम में उन्होंने कैरम बोर्ड को हार दिया। हारने के बाद क्या किया कि कैरम बोर्ड को कस के धक्का दे के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे से थोड़ा सा आगे आसपास में इसी बीच में 10 मिनट बाद के लिए लाइन कटे और गुम हो गया। उसके बाद हम लोग रात भर तक खोजते रहे, प्रशासन को बुलाएगा, प्रशासन की मदद की हम लोग पूछताछ करते रहे, बट हमें लगता है कि कोई ऐसा दुश्मन उसे रखा था। वो हमें डिमांड करने वाला था कुछ पैसा चाहिए, अगर बड़ा कामयाब नहीं रहा। मेरा बच्चा उसे पहचान लिया और हर जगह हम लोगों ने लॉकडाउन करवाया था, इसलिए सक्सेस नहीं बन पाया, मुझे डाउट। तबलीगी जमात में शामिल और नेपाल के रास्ते से लोगों के जिले में आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले को सील कर दिया है। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले के तमाम पदाधिकारी से लॉकडाउन के दौरान जिले की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही जिले में बाहर से आए लोगों पर चर्चा की। साथ ही दिल्ली तबलीगी जमात में शामिल लोगों पर और नेपाल से आने वाले लोगों की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने पूरे जिले को सील कर दिया है। हम लोग उसको देख रहे हैं, उसका समीक्षा कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ भी जैसा होगा हम लोग आगे निर्णय लेंगे, प्रतिबंधित करेंगे आप लोग। ये सर लॉकडाउन जो किया गया है, सील किया गया पूरी तरह जिले को? हाँ, ये पूरी तरह से लॉकडाउन हम लोग बहुत इफेक्टिवली इसको कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो शिकायत मिल रही है हम लोगों को सब्जी मार्केट से या बैंक से, उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी ये सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम रहे। दूसरा, जो आसपास के जिलों में मामले थोड़ा बढ़े हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने अपनी सीमाओं पर, जिले की सीमाओं पर विशेष चौकसी हम लोग बरत रहे हैं और जो हमारा छपरा का सारण का बॉर्डर है रेवा घाट के पास, उसको हम लोगों ने सील कर दिया है और जो वैशाली का है हमारा हकुली के पास, उसको भी हम लोगों ने सील कर दिया है। समस्तीपुर बॉर्डर जो हम लोगों का, उसको भी सील किया है। उसमें से बस जरूरी जो गाड़ियां हैं बहुत इमरजेंसी सर्विस से संबंधित,
और उसके अलावा खाद्यान्न से संबंधित खाद्यान्न का अगर परिवहन कर रहे हैं उस प्रकार की गाड़ियां या कृषि यंत्र वगैरह हैं अभी उनका, और मीडिया या फिर सरकारी वाहन। दूसरा, जिनको वैलिड पास इशू है किसी भी जिले से इमरजेंसी के कारण, उन लोगों को हम लोग केवल अलाउ कर रहे हैं। और साथ ही जिलाधिकारियों ने तबलीगी जमात में शामिल लोग जिले में छुपे हैं उन्हें सामने आने की अपील की है। अगर वे लोग फिर भी नहीं निकलते हैं तो उन लोगों पर FIR दर्ज करने की बात कही। अपील करना चाहेंगे और आप लोगों के माध्यम से करेंगे कि अगर कहीं से आप आए हैं, कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, बाहर से आए हैं, तो आप जरूर बाहर आए, सामने आए और अपनी जांच करा लें। अगर कोई लक्षण है और 14 दिन से कम हुआ है आए हुए बाहर से, तो तुरंत सैंपल कलेक्शन करवा लें, उसकी जांच हो जाएगी। अगर नेगेटिव आता है तो आप भी आश्वस्त हो जाएंगे, हम लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे। और अगर कोई पॉजिटिव मामला आता है तो आपके परिवार के, आपके आसपास के लोग बच जाएंगे जिनको कि कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने जेल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज मशीन लगाया। अब जेल में प्रवेश करने वाले सभी को इस मशीन से गुजरना पड़ेगा। कोरोना वायरस की इस महामारी को देखते हुए खुदीराम बोस केंद्रीय कारा प्रशासन द्वारा जेल में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। अब जेल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को इस मशीन से गुजर कर ही अंदर जा सकते हैं। यह सैनिटाइजर मशीन में व्यक्ति के पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जाता है। बिहार में यह पहला जेल है जहां की यह सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने सैनिटाइजर रूम की व्यवस्था की है। इस वक्त मुजफ्फरपुर केंद्रीय खुदीराम बोस कारागार में हूँ और यहाँ पे सैनिटाइजर रूम की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि कैदी हो या जेल के कर्मचारी हो, सब इस सैनिटाइजर रूम से ही गुजर के तब अंदर जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया, इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। बेनीबाद ओपी के एक गांव में कोचिंग के एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया। घटना के बाद शिक्षक फरार हुआ। पुलिस ने शिक्षक के भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिले के पीएट थाना क्षेत्र के हत्था ओपी में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक शिक्षक द्वारा गुरु शिष्य परंपरा को तार तार कर देने वाली इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस शिष्य का बलात्कार उसके गुरु ने किया, उसने उस मासूम की इज्जत की कीमत 5 लाख रुपए या 2 कट्ठा जमीन लगा रहा है। सरकार के लॉकडाउन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इस कथित शिक्षक ने अपने शिष्य को ही हवस का शिकार बीते 5 अप्रैल को बना डाला। विडम्बना है कि न्याय के लिए पीड़िता पिछले 5 दिनों से न्याय के लिए भटक रही है। पता चला कि एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुआ है जिसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। बच्ची का FIR दर्ज कर बच्ची का मेडिकल जांच महिला थाना द्वारा कराया जा रहा है। शनिवार को कोर्ट के आदेश पर पीड़िता का बयान दर्ज कर आरोपित शिक्षक के भाई को जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपित शिक्षक अभी तक फरार है। आज इस मामले में बच्ची का 164 का बयान न्यायालय में कराया गया है और उस बयान में बच्ची ने अपने पूरा घटना का समर्थन करते हुए बताई कि उसके साथ जो घटना हुई और दुष्कर्म किया गया जो अमानवीय है, और एक शिक्षक के द्वारा इस प्रकार की घटना किया जाना समाज पर दुष्प्रभाव डालता है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? धारा 341, 342, 376 AB एवं 506/34 IPC एवं 4 पास्को एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है। किस पे केस दर्ज हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है? इस पर मुख्य रूप से 2 व्यक्ति का नाम आया है। एक रोहन कुमार हैं जो शिक्षक हैं और एक उनके भाई का नाम दिया गया है जो उसको भगाने में सहायता किए हैं, जिनको न्यायालय द्वारा कस्टडी में भी लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। नाबालिग पीड़िता के परिजनों का कहना है कि कथित शिक्षक रोहन कुमार ने बच्ची को पढ़ाने के बहाने बुलाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और अब उन्हें केस न करने के लिए धमका रहा है। 5 तारीख को उस बच्ची ने बताया नहीं, शाम को सुबह में 5 तारीख को शाम में जो है रोहन सर ने आया बुला करके बच्चे सबको ले गया कि सर बच्चे को पढ़ाएंगे इस ट्यूशन, ठीक। और ट्यूशन ले जाने के बाद क्या किया, वहाँ 3 बच्चे को अलग कर दिया और 1 बच्चे के साथ दुष्कर्म किया और
बच्ची ने बच्ची को डरा धमका करके बहुत इतना डाटा जो वो न मम्मी को बताया न पिता को बताया, कल होकर के जो है वो अपनी मम्मी को बताया जब दर्द उर्द हुआ तो। और उसके बाद बेनीबाद ओपी पर गए वो केस के लिए, तो जैसे जैसे घटना हुआ तो। घटना के दो दिनों के बाद बच्ची का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया और घटना के पाँच दिनों के बाद 164 का बयान कोर्ट में कराया गया। बहरहाल इस मामले में जिस कछुए की गति से कानून अपना कदम बढ़ा रहा है, ऐसा लगता है कि आरोपित पक्ष पैसा या पैरवी के बलबूते पर पीड़िता पक्ष को धमकाने से लेकर मैनेज करने का खेल खेल रहे हैं। पाँच लाख रुपया दे रहे हैं, फैसला कर लीजिए। बोलिए, फैसला कर रहे हैं, कर दीजिए मुखिया जी। आपके बच्चे की इज्जत की कीमत 5 लाख रुपए लगाई जा रही है? हाँ, तो 2 कट्ठा जमीन। किनके द्वारा ये कहा गया था? अथी फैसला मुमेश महासेठ। वो कौन है? उसका पापा है। वही आरोपित पक्ष पूरे मामले को जमीनी विवाद बताकर खुद को निर्दोष साबित करने में जुट गए हैं। अभी हम लोग आए हैं तो थाना को देखते हैं, तो हम लोग आए हैं गांधी चौक पर। मालूम हुआ है कि एक मामला जो आपसी विवाद गलत ढंग से किया जा रहा है, लेकिन अब जाँच हुआ है मेडिकल कराने के बाद इसका क्या सामने आ जाएगा। सामने आने का प्रशासन है इसमें। कौन जांच करने आए थे अभी? अभी बेनीवा थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी नगर। कल देर शाम नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पोखर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड स्थित कैलाश दवा खाना नामक दुकान में चोरों ने शुक्रवार की देर रात दुकान का शटर काटकर गल्ले से रखे लगभग 25,000 रुपए की चोरी कर ले गए। चोरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकानदार दुकान बंद कर घर चले गए। घटना के संबंध में दुकानदार भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि आज सुबह आसपास के दुकानदारों ने इस घटना की जानकारी दी और जब दुकान पर आकर देखा तो दुकान का शटर कटा हुआ था और दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दुकानदार भूपेंद्र ने बताया कि दवा तो नहीं ले गया, लेकिन गल्ले में रखे तकरीबन 25,000 रुपए गायब था। इस घटना की शिकायत उन्होंने स्थानीय थाना में भी की है। बैठे हुए है, पूर्व में आग लगा है, तो सुनते सुनते खूब धार जो आया है, तो धार आया है, तो हम लोग आज आग लगा लगा, तो हम उधर से इसी दूरा पर बैठे हैं अपना घर से आके, तो उस जगह से हम ताकते हैं तो उसे झिंझोरा उठ रहा है। आग लगी थी महाराज जी पोखर में। क्या कुछ नुकसान वगैरह हुआ? कितना देर पहले किसी तरह का कोई संपत्ति का आधार नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन के 18वें दिन भी शहर के कई प्रमुख इलाकों में आम लोग अपनी जान हथेली पर डालकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। लॉकडाउन का उल्लंघन कर खुद को खतरे में डालने वालों से शनिवार को प्रशासन सख्ती से निपटा। नगर थाना क्षेत्र में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को प्रशासन के डंडे की मार झेलनी पड़ी। इसी दौरान एक ताड़ी दुकान पर लोगों की भीड़ देख जैसे ही नगर डीएसपी दलबल के साथ पहुंचे, वैसे ही सभी ताड़ी पीने और बेचने वाले फरार हो गए। नगर थाना पुलिस ने ताड़ी की बोतलें, गैलन और गिलास फोड़ दिया। साथ ही आसपास के लोगों को सख्ती से नसीहत देकर घर भेज दिया गया। कर रहे हैं हम लोग, जहाँ भी लॉकडाउन का देख रहे हैं मामला उल्लंघन करते हैं वहाँ पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा वाला केस लॉकडाउन को सफर कराने तो एक वो है 722, उसका नंबर कितना है? कुछ लोगों को पकड़ा भी गया क्या? नहीं, लोगों को कुछ को नहीं पकड़ा गया है, ताड़ी उड़ी था उसको नष्ट कर दिया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स
मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट को हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल मेन रोड NH57 अलियापुर मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर
उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ यानी कि जीनियस क्लासेस, देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। नगर के अखाड़ा घाट रोड स्थित कैलाश दवा खाना में कल देर रात चोरों ने दुकान का शटर काट कर 25,000 रुपए की चोरी की। नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा रोड स्थित महाराजी पोखर में अचानक आग लग गई। आग की घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस और दमकल के 4 गाड़ी यूनिट के साथ मौके पर पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में पुलिस और स्थानीय लोगों ने बताया कि पोखर के पूरब से लगी आग धीरे धीरे पूरे पोखर में फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाया। हमको बगल के लोग सब आके बताएं कि आपका दुकान का ताला टूट गया, तेजी से हम भाग के आए हैं तो देखे हैं इस साइड का पूरा लोहा से उसको उबार के पूरा गल्ला उल्ला लेके गल्ला भी लेके चला गया। कितना कैश वगैरह था? लगभग वही 20-22,000। दुकान से गायब क्या क्या हुआ? दुकान से सामान कोई गायब नहीं हुआ, पूरा जो नकदी था हमारा वो सब लेके चला गया। जिले में बढ़ते आगलगी की घटना को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिला आपदा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिया। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने जिले में लगातार आगलगी की घटना को देखते हुए जिला आपदा विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में आगलगी की घटना को रोकने के लिए पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिया। साथ ही पदाधिकारियों को इसके प्रचार प्रसार के साथ लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। आपदा में हम लोगों का मुख्य रूप से आगलगी और गर्मी में जो पेयजल संकट होता है उसके लिए हम लोग बैठक किए थे। इसमें आगलगी से बचाव के उपायों पर चर्चा हुई है कि आगलगी से बचने के लिए एक तो खुले में चूल्हे पर कुछ नहीं खाना बनाएं,
और सुबह जब हवा चलती है उसके पहले खाना बना लें, ये हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शाम को भी हवा बंद होने के बाद खाना बनाएं। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग जो है उस पर पानी डाल के अच्छे से बुझा दें। बीड़ी सिगरेट वगैरह पी करके इधर उधर नहीं फेंकें। थ्रेसिंग अगर होती है तो उस थ्रेसिंग में ये ध्यान रखें कि जो चिंगारी निकलती है उधर कोई हम लोगों का भूसा या कोई खाद्यान्न या कोई गेहूं का वो नहीं रखा हो, ये सब हम लोगों को कर रहे हैं। बाकी अगर घटनाएं इस प्रकार की हो जाती हैं तो उसको तुरंत नियंत्रण करने पर भी हम लोग चर्चा किए। फायर ब्रिगेड हमारा तैयार है पूरी तरह से। उसके बाद हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जहां भी घटना होगी तुरंत पहले अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वहां पहुंचेंगे और आग पर नियंत्रण के साथ साथ जो तुरंत राहत पहुंचाई जा सकती है उसको उपलब्ध कराएंगे। जिला में AES की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सदर और केजरीवाल अस्पताल का निरीक्षण किया। AES यानी चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सदर अस्पताल और कृष्णा देवी केजरीवाल अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही कई निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि AES को लेकर इस बार निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। केजरीवाल अस्पताल में पहले से ही AES की चिकित्सा होती रही है, हम लोग इस बार AES वार्डों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हम लोग AES या चमकी बुखार की समस्या बहुत स्पेसिफिक है हम लोगों के जिले की मुजफ्फरपुर की, और ये अब लगभग गर्मी में शुरू होता है और बरसात तक चलता है, तो इसके लिए इसमें अवेयरनेस ही महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस और टाइमली अगर पहुँच जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट, तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पिछली बार हमारे 196 पंचायतों के 320 गांव में मामले आए थे, उन सभी को हम लोगों ने हमारे किसी न किसी पदाधिकारी ने गोद लिया है और उसमें एक दिन हम लोग चमकी पर चर्चा करके प्रोग्राम किए हैं, लोगों को अवेयर किए हैं, और उसके बाद हम लोग इसको साप्ताहिक रूप से करेंगे। सभी पदाधिकारी उन गाँव में जाएंगे और जो वल्नरेबल टोले हैं हमारे, विशेषकर महादलित टोले हैं या जहाँ से मामले आए हैं, उसमें लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया है आज की मीटिंग में कि वहाँ जो हमारे कमजोर या बीमार बच्चे हैं उनकी भी सूची हम लोग बना रहे हैं ताकि उनको हम लोग कुछ एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट दे सकें और इसको बहुत जल्दी हम लोग प्राप्त कर लेंगे। दूसरा हम लोग ये कर रहे हैं कि उस टोले में या उस गाँव में जो वाहन है उसकी टैगिंग कर रहे हैं और उस वाहन से जैसे जरूरत पड़े तुरंत कम समय में हमारे यहाँ PSC पर पहुँच जाए बच्चा, और जितनी जल्दी पहुँच जाएगा उतना राहत की बात उसके लिए रहेगी। और जो निजी वाहन लेकर के आएगा बच्चे को उसको 400 रुपये देने का PSC पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, हम लोगों ने प्रावधान किया है और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी सभी गांव पंचायत के अंतर्गत जो गाँव हैं पंचायत स्तरीय कर्मियों के बीच हम लोग टैग कर रहे हैं, उनको वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे और कोई दिक्कत होगी तो हम लोगों को भी तुरंत बताएंगे। अवेयरनेस का बहुत बड़े पैमाने पर माइक्रो लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ चमकी बुखार के इलाज के लिए भी प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बेड का AES वार्ड हम लोगों ने बनाया है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पूरा AC वार्ड है हमारा, और सारी दवा और वहाँ जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति 24 घंटे 3 पाली में ये हम लोग सुनिश्चित कराए हैं। ग्लूकोमीटर वगैरह जिसकी जरूरत पड़ती है तुरंत शुगर चेक करने के लिए बच्चे का, वो भी 2-2 हम लोग रखे हैं, उसकी बैटरी वगैरह एडिशनल रखे हैं। इसके साथ साथ हम लोग मेडिकल कॉलेज जो SKMCH है हमारा मुजफ्फरपुर का, उसमें 68 बेड अभी है जिस पर बच्चों का इलाज किया जा सकता है, और पीको 100 बेड का वो बन रहा है, अप्रैल महीने में इसी महीने में तैयार होने की संभावना है, वो तेजी से काम चल रहा है, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने बेड बनाकर 20 बेड का लगभग बना करके AES वार्ड रखा है, तो तैयारी हमारी पूरी है। अपील यही है कि एक तो हो नहीं, बच्चों को धूप में जाने से रोकें सभी लोग, दोपहर में विशेष करके, रात में खाली पेट उसे नहीं सोने दें, जब भी अगर सो भी जाता है तो उसे उठा करके खाना जरूर खिला दें, और सुबह जब उठते हैं तो बच्चे को भी जगा करके देख लें कि कहीं बेहोश तो नहीं है, उसको कोई समस्या तो नहीं है, और बुखार या फीवर जब भी कुछ चमकी आता है तुरंत जितना जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल पर पहुँचें, वहाँ सारी सुविधा है, उसका इलाज हो जाएगा। इसमें अगर विलंब होगा तो हम लोगों के लिए बहुत कठिनाई होती है, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा रहेगा बच्चे के लिए हम लोगों के। सर लॉकडाउन में लॉकडाउन के दौरान सिकंदरपुर OP के प्रभारी द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। जिला पुलिस के मानवीय चेहरा सामने आया। सिकंदरपुर OP की पुलिस ने सैकड़ों लोगों के बीच किया राशन सामग्री का वितरण।
दरअसल नगर के सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार के नेतृत्व में ओपी थाना परिसर में सैकड़ों जरूरतमंद गरीबों के बीच लॉकडाउन को लेकर राशन सामग्री का वितरण किया गया। आपको बताते चले कि जहां थाने पर लोग शिकायत दर्ज करने जाते हैं एवं इस लॉकडाउन में पुलिस को देख लोग घर में छुपते हैं, वहीं आज सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार के द्वारा एक मानवीय पहल के तहत राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस प्रकार पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को सिकंदरपुर ओपी प्रभारी के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। ओपी प्रभारी ने बताया कि इस महामारी में खासकर दिहाड़ी मजदूर पर इसका असर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए यह पहल किया जा रहा है। बच्चा लोग के कम से कम बच्चा को 200-250 के बच्चा के तादाद में बांटे हैं। क्या कुछ बांटा गया? बिस्कुट बांटे हैं, केक बांटे हैं, कुरकुरे बांटे हैं, मिक्सर बांटे हैं। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए? हाँ, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। आगे भी बांटा जाएगा? आगे के तो अभी नहीं बता सकते हैं। और जितने भी औरत थे, जेंट्स थे, उनके लिए चावल, दाल, आटा, आलू, पटल, हरा मिर्चा। ये कितने लोगों के बीच बांटा गया? ये भी लगभग 200 के बीच। संपूर्ण लॉकडाउन के 18वें दिन भी कई सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री के वितरण किए जाने के दौरान नहीं दिखा सोशल डिस्टेंस। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन के अलावे इससे बचाव का कोई रास्ता नहीं है, परंतु लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरों के घरों में भुखमरी की स्थिति बन गई है। इसमें कुछ सामाजिक संगठन और समाज सेवियों की मदद उनके लिए राहत की बात है। आप जो दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पहली तस्वीर है सिकंदरपुर ओपी की, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर कलमबाग चौक स्थित गुरुद्वारा के द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविर की है। आप देख सकते हैं किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस शिविर में नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने भी अपना सहयोग दिया। महान वीर योद्धा पराक्रमी 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मभूमि पर कोरोना को हराने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए सारा मानव समाज कृत संकल्पित है। आज नागरिक मोर्चा गुरुद्वारा कलमबाग रोड करीब 8 दिनों से 1,25,000 रुपए का सामान का वितरण कर चुकी है। वहीं जिले के कांटी क्षेत्र के युवाओं द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण शनिवार को 11वें दिन भी जारी रहा। युवाओं ने बताया कि इस मुसीबत की घड़ी में हर किसी को आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। आज हम लोग का 11वां दिन है। सबसे पहले तो हम सभी गरीब परिवार के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम लोग से जो बंद पड़ रहा है, जैसा कि आप पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं, हमारा नित्य कार्यक्रम लगातार जारी है। 11वां दिन है आज। आज हम काटी कुटिया में पहुंचे हैं। यहां पर करीबन 50 लोग को हमको यहां वितरण करना है, जिसमें समस्त राहत सामग्री है। किराना का सारा आइटम है, 10 आइटम हम लोग के पास है। तेल, साबुन, मसाला, चावल, ये सब है। और आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।